सर BFO धर्मशाला नियुक्त हुए हैं क्या? कुछ प्राथमिकताएं जो है आपकी इस बार रहने वाली धर्मशाला के लिए? धर्मशाला डिवीज़न में मुझे कार्य करने का मौका मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। मेरी प्राथमिकता प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण, और इसके साथ साथ जो हमारी पब्लिक जो है, जनमानस है, उनकी जो भी समस्याएं हैं, जितना हर संभव हो हम उसका निराकरण करें, ताकि इस क्षेत्र की प्रगति में वन विभाग भी अपना पूरा योगदान दे पाए। तो मेरी प्राथमिकता है यहाँ के जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट टाइमली हों, जिसमें पार्क्स हैं, नेचर पार्क्स हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड डाइवर्शन के FCA के केसेस हैं उनमें तेजी लाने, और साथ में डेवलपमेंट के जितने भी गवर्नमेंट के काम हैं उन सभी में हम अपना पूरा सहयोग दें, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी सर, आमूमन देखने को मिलता है कि अवैध कटन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कार्य जो है आपके द्वारा विशेष तौर पे किए जाएंगे? साथ ही में गर्मियों का समय आने वाला है, आमूमन देखने को मिलता है कि जंगलों में आग लगना स्वाभाविक है, तो क्या कुछ अहम कार्य उसके लिए किए जाएंगे ताकि पहले ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके लिए तैयार रहे? ये आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि क्षेत्र में कहीं कहीं अवैध कटान का भी हमारे पास कोई ना कोई केस सामने आ जाता है। तो इसमें मैं यही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा स्टाफ पूरे तरीके से मुस्तैद है, एक्टिव है, और अवैध कटान के ऊपर हम कड़ी नज़र रख रहे हैं। तो इस तरीके का कोई भी वाकया हम सामने नहीं आने देंगे। जहाँ तक आगजनी इत्यादि की घटनाएं हैं, तो ये हमारा क्षेत्र जो है, ये अग्नि की घटनाओं में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव बीट्स हैं। तो इसके लिए विभाग ने पहले ही अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसको हम और स्ट्रेंथन करेंगे। इसके साथ हमने जो फायर वॉचर्स वगैरह हैं उनको भी हम समय पे नियुक्त करेंगे। साथ साथ ही जो हमारे क्षेत्रीय जो कर्मचारी हैं, फील्ड कर्मचारी हैं, उनको भी ट्रेनिंग वगैरह देके हम अग्नि की इन घटनाओं को रोकने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जी सर, इसके अलावा तिरुण ट्रैक की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश काफी लोकप्रिय ट्रैक है जहाँ देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं, लंबे समय से उसको बंद किया गया, तो उसको लेके भी कुछ प्राथमिकता आपकी रहेगी ताकि उसको खोला जाए और पर्यटक के बढ़ावा देने के लिए उसको साइट को ओपन किया जाए? इसमें माननीय न्यायालय के जो भी आदेश हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस बारे में जो भी संभव हो पाएगा इसके हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, इससे पहले से केलांग में आप अपनी सेवाएं जो है दे चुके हैं, तो क्या कुछ चुनौतियां जो है वहां पे रही हैं जिसका लाभ धर्मशाला के लोगों को, यहाँ की जनता को मिलने वाला है? भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो केलांग लाहौल डिवीजन है वो ट्रांस हिमालयन जोन में आता है, जहाँ की वेजिटेशन और चैलेंजेस यहाँ से लगभग काफी अलग हैं। लेकिन जो अनुभव मैंने वहाँ पे प्राप्त किया है वो निसंदेह बहुत ही अच्छा रहा, और उसकी उसी अनुभव को हम यहाँ के भी बेहतरी के लिए उसका प्रयोग करेंगे। जी, क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे सर अपनी तरफ से? जनता को मैं यही संदेश दूंगा कि पर्यावरण संरक्षण में वन विभाग का सहयोग करे, और खासकर ये जो अग्नि की घटनाएं इत्यादि होती हैं इसमें जो है, इसमें वन विभाग का पूरा सहयोग करे, ताकि हम इन घटनाओं को होने ही ना दें। अगर कहीं हो भी जाती हैं तो आग बुझाने इत्यादि की घटनाओं के समय स्टाफ हमारा जो क्षेत्रीय कर्मचारी रहते हैं उनको भी पूरा सहयोग दे, और साथ में अपने अपने क्षेत्र में जो पर्यावरण संरक्षण है उसके प्रति भी जागरूक रहें। जी, जनता को जागरूक करने के लिए कोई विशेष तौर पर अभियान चलाया जाएगा ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, या होती भी हैं तो बहुत कम हो? हाँ, फायर सीजन से पहले जनरली हम एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, जिसमें हम पब्लिक के साथ साथ स्कूली बच्चों इत्यादि को भी जोड़ते हैं। तो ये काफी बड़े स्तर पर ये अभियान चलाया जाएगा।